लो। तो गाइस सारे चलने के लिए रेडी है और भाई हम रेडी हो तुम लोग? Yes. ये देखो पीछे बंदर ये हमने बैठा दिए, ये पीछे बताती रहेगी हमें कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें बताएगी। अरे ये गुस्सी रहती है भाई, ये इसको कोई काम ही नहीं है। तेरे से कह रहा हूँ, दिख नहीं रहा मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई अभी चल रहे सारे, पहले जाएंगे सीधे हम रणथंभौर, वहां फिर क्या करेंगे उसके बाद? सफारी करेंगे भाई। मेरे पास टाइम टेबल नहीं है। मेरे पास है, मेरे पास है। मेरे से पूछ लो। बोलो शंकर भगवान की जय, जय बाबा मोहन राम की जय। ओ पीछे तीन ही घुस मार क्यों? पर मैं कचरा कचरा बोलती रहूंगी और फिर बना रहा देखे तो चालू है। तो भाई इसका टैंक कराएंगे हम फुल, क्योंकि भाई राजस्थान में ना 4-5 रुपए लीटर महंगा है डीजल, और पेट्रोल कितना महंगा है? 12 रुपए। तो अभी इसका टैंक फुल कराएंगे और फिर चलेंगे भाई सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर। 8 रुपए जो भी है, 8-12 जो भी है ना। देखी कहाँ भी करगी मर्सिडीज में, दही भी करगी। वाह भाई टैंक फुल कर दे इसका। हाँ मर्सिडीज में वो बिखर गई दही। इसकी पेमेंट करो जल्दी। हाँ फुल कर दे भाई इसको। हमारे कंजूस भाई उस गाड़ी में तेल डलवा रहे, देखे इस गाड़ी में तेल नहीं डलवा सकते ये आदमी। डीजल है भाई फुल कर दियो, एक नंबर पे चलाता भाई। डीजल हो गया फुल और चलो अब भाई अपनी गाड़ी में टैंक हो गया फुल और हम वेट कर रहे हैं पापा जी यार का, क्योंकि उनकी गाड़ी में यार जो दही थी ना वो टिप्पन के अंदर थी यार, वो खुल गया। टिप्पन ना टिफिन, टिप्पन टिफिन। मजाक उड़ा रहा भाई, हम टिप्पन कहते हैं देख रहे हो। तो कोई नहीं अभी वो आ रहे हैं तरुण भाई यार गए ट्यूलिप, फिर चलेंगे सारे एक साथ। हमारा यार देख दिल लग गया इधर तो। हाँ चले हुए हमें आधा घंटा हुआ, हमने चाय भी खा ली, चाय भी पी ली है। बिज्जती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिज्जती कर रहे हैं। चाय खा ली, चाय खा ली हमने। और वो चाय का कप खा लिया ऐसे बोल रहा था मैं। और क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते भाई, कचौड़ी हमने पी ली है ठीक है। और भाई हर बार की तरह तरुण भाई हमेशा पीछे ही रहता है और वो अभी तक आए नहीं है। की गुटखा खा रही है री है की छन छन कर रही है? पान बाहर मसाला भैया। हम यार भाई टोल पे वेट कर रहे हैं यार, हो गए हमें 15-20 मिनट, अभी तक तरुण भाई यार आए नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं वो लोग ना भाई। धीरे बहुत तरुण भाई बहुत देर चलाता है यार गाड़ी ना, जहाँ अगर हमें 2 घंटे में पहुँचना है ना वहाँ तरुण भाई 2.5-3 घंटे में पहुँचाता है। देखो अभी तक आए नहीं है। और अभी हम हैं मुंबई एक्सप्रेस वे पे। ले ये हमारा भैया आ गए और अब हम चल रहा। हाँ एग्जेम्प्टेड करानी नहीं आती, बस स्लिप लेनी है, कैसे करना है? अब हम गाड़ी चलाओगे के? हमारे तरुण भाई थक गए हैं तो मम्मी जी चलाएंगे अब गाड़ी। भाई भाभी देख लो, मेरे को पता नहीं है, पेड़ों में योगदान दे रहेगा अपना ठीक है। पानी दे दे इनमें, सूखे पड़े बेचारे ये। ओए ठीक है बगो। अरे इद्दू कुछ भाई देखना पूरा गीला कर दिया। ओए कितना
टैंकर ले रखा है क्या पूरा? दूध ओ भाई क्या सब, ओ दे पूरी भर दी वो तो दही ही वो। नी क्या कह रही है? भाई परेशान है देखना। नी डांस करके दिखाओ, नी डांस करके दिखाओ। कहाँ जा रहे हम? कहाँ जा रहे? बाल जा रहे घूमी घूमी करने है, दूमी करने, दूमी। ये देखो यार पापा छोड़ के चलोगे भाई। मैं तो यही आ रहा था। रिद्दू ले लो, रिद्दू है। भाई मिल गए ये दोनों, कह चुके चल रहे हैं दोनों के दोनों। भाई हम ही धीरे चलाते हैं, देख लो इन दोनों में रेस हो रही, दोनों आगे गाड़ी जा रही है ना मर्सिडीज और इवोक में। भाई जो मुंबई एक्सप्रेसवे है ना वो यहीं तक बना हुआ है, देखो अब आगे बंद कर रखा है बिल्कुल। अब यहाँ से सर्विस रोड पे जाना पड़ेगा आप सब कोई भी हो, ये देखो यहाँ से बंद कर रखा है बिल्कुल। अब आगे का शुरू नहीं हुआ है, मतलब आगे बन रहा है पर अभी पूरा नहीं हुआ है। ये देखो यहाँ बंद कर रखा है, ये एंड है यहाँ का अभी। और हम पहुँच गए भाई दोसा से पार लाल सूत। नहीं आई भाई हम रास्ता भटक गए हैं। और ये चश्मे कैसे लग रहे मेरे ऊपर ये बताना, कैसे लग रहे? क्या मार रही नीशु बुआ? मैप बता रही है नीशु बुआ, मैप बता रही है पर गलत बता रही है नीशु बुआ तो मैप भटकवा दिए याने नीशु ने। नीशु बुआ सही मैप बता रही है। तो भाई यहाँ बैरिकेड लगे हुए हैं तो सोच रहे ये खुल जाए तो अपना आसान हो जाएगा पूरा रूट ना बहुत। ये जो 60 किलोमीटर है वो सोच रहे ये वाला 30 किलोमीटर पड़ेगा इधर वाला, तो ये खुलवाने की कोशिश कर रहा है। अगर खुल जाए तो ठीक है, नहीं खुले तो और क्या है, हम 60 किलोमीटर भी चल देंगे यार। मैं इस वाले कह रहा था ये जो ये लगाया हुआ है ना ये खोल देंगे, नहीं तो यहाँ से जाना पड़ेगा यार। सिंगल लेन रास्ता है ये और भसड़ रहेगी इसमें ज़्यादा, ये नॉर्मल है बढ़िया है रास्ता। ये देखना और ये क्या क्या ओ क्या गिरद 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 इसे कहाँ बैठी हो? किसके पास? दादी दादी में बैठी है। किसके पास बैठी नहीं? कहाँ बैठी हो? नहीं पास। ये कौन है? इसे गाल देखो लाल हो गए, लाल हो गए। चले तरन भैया बुला रहे मोन भाई। और भाई इन्होंने रास्ता खोल दिया इन भाइयों ने ऊपर का, चलते यार। ये तो कह रहे इसमें तो टाइम लग जाएगा, कह रहे हमने ऊपर का ही खोल दिया आप चले जाओ उससे ही। तो भाई अपने लिए आसान हो गया, 30 किलोमीटर बच गया हमारा, नहीं तो भाई पूरे रास्ते परेशान होते। ये सिंगल रोड रास्ता है और कैसे ट्रक आ रहे कैसे नहीं आ रहे कुछ नहीं पता इसका। और ये भाई ने बड़ी हेल्प करी है हमारे, ये ऊपर वाला हाईवे जो बंद था ना मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ से बंद है अभी हाईवे, तो ये खोल दिया इन्होंने। अमरूद को टेस्ट ना इसमें फीका अमरूद है तो जब हमें जगह बना दी है। और देखो हमारे साथ इन दोनों ने फायदा उठा लिया भाई, गाड़ियों वाले ने निकलवा ली अपनी गाड़ी उधर से। ओ बेटे उधर से भी वाह, लो भैया अपनी गड्डी तो निकल गई, हमारे साथ इन्होंने जीवन का मोज ले लिया, नहीं तो भाई 60-70 किलोमीटर दूसरे रास्ते से आते। निकल जाएगी
भाई हमारे स्वागत के लिए जेसीबी आ गई, देख रहे हो मर्सिडीज हमने ऐसी निकलवा ली यार। हाँ मार जाएगा यो अकादी भगो तो तन भी ऐसी वाह वाह फरिश्ता है ये। तंडु बोल देना इसको एक बार कदी इसे उठा कर रख दे। अरे वाह भाई वाह ये तो ठीक हो गया भाई वाह। ठंड में काम तो सही हो गया अंकल। थोड़ी जल्दी जयपुर जाते जाते भाई ये सारे काम करवाने पड़ते जब जाके अपनी गाड़ियाँ निकलती है, देख रहे हो ठंड में। पता है पीएम आ रहा है तो ये आएंगे क्यों नहीं भाई। भाई बन की बात ये देखो भाई वहां से निकल गए हैं भाई और मर्सिडीज में यार छोटे मोटे स्क्रैचेस तो आ गए हैं भाई। जब उस मट्टी पे से उतरी ना ये जेसीबी वाला थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो पहले आ जाता तो सही रहता, 5 मिनट पहले आ जाता ठीक रहता। उसमें थोड़े बहुत स्क्रैच लग गए हैं और आगे जाके पता चलेगा, अभी देखेंगे ना जब उतर के एक बार दोबारा। और यहाँ से सवाई माधोपुर है कितने किलोमीटर बता रहे भैया? 12 किलोमीटर और हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कितने बजे तक पहुंचे? 12:30 बजे पहुंचेंगे। गाइस फाइनली पहुंच गए हम माउंट वैली। खोजिए गए ये देखो तरुण भाई हमारे फोटो शूट कर रहे हैं। और भाई अंदर चलते हैं अब। हाँ जी खोल तो दिया। हेलो हाँ जी तो गाइस चेक इन तो हमने कर लिया और अब जा रहे हैं भाई हम टिकट लेने के लिए। चप्पल नहीं देखेंगे क्योंकि ऑनलाइन जो है ना वो टिकट मिलेगी ही नहीं। तो पापा ने फॉरेस्ट जो ऑफिसर है ना यहाँ पे उसको कॉल कर दिया है और वो कह रहा है आपका लड़कों को भेज दो अपने, मैं आपको टिकट अपने हाथों से दे दूँगा। तो भाई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट भी मिल गई है, क्या फ़ायदा हो रहा है यार। दरोगा सिंह तन्नू दरोगा मोनिका बात करते हैं। देख देख खुशी देख रहे हो भाभी देख रहे हो आप, ये आपके लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो बस। मच्छर हाँ ये देखो कान पे देखो इसके। कोई नहीं भाई कर दो और इसमें भाई ना पूछ गए हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा। ये है भाई यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर। फ्री पासिस हैं किसी को चाहिए तो ले लेना। नहीं तरुण भाई तो फॉरनर है ना, लगते हो तरुण भाई फॉरनर जैसे अफ्रीका जैसे अफ्रीका के। तो भाई अपनी टिकट ले ली हमने और अब चलते सीधा होटल लोटल। अरे मोनो भाई भाई बैठ बैठे सोने लग रहा है इसे कुर्सी पे। वो तो मैं एक्टिंग करके दिखा रहा था। हम पहुंच गए भाई होटल में वापस और अब चलते सीधा खाना खाएंगे और फिर भाई जंगल सफारी। नहीं ये वत्तू हर बार ना के करना क्या, सुबह ना के नहीं आया हूं मैं, दो दो बार ना आऊंगा। ये देख ले ये ना के नहीं आया, ये ना के नहीं आया भाई मैं। अरे रहन दो यार तंडू आपको 3-3 दिन हो जाओ, हमें पता हो आपका। 3-3 दिन हां 3-3 दिन ना आओ ऑफिस में भाई, नहीं चले जाओ मैं ना। हाँ सही बताऊँ 4 दिन बताऊँ पता हो मैं तो
रिकॉर्ड स्थापित कर रखा 12 दिन का तरुण भाई ने, और तूने 16 दिन का। मैं डेली ना कहता हूं, मैं एक दिन भी नहीं रह जाता यार मेरे से। मैं लाइक कर ले, तुझे लीव चढ़ा, तू लीव चढ़ा बेटा। मैं एक दिन भी नहीं रह सकता बिना नहाई। कभी कभी तो मैं दो दो दिन ना लेता हूँ। दो दो बार दिन में चिढ़ते हो। अरे कंडक्टर भैया, देखना आपकी तरफ। गाइस ये शेर देखने जा रहे हैं। अरे इन्हें पता नहीं, इनके बगल में ही शेर बैठा हुआ है। ये पता नहीं कहाँ बैठा ये बगल में मेरा, मतलब आपकी बगल में मैं बैठा रहा। ये पता नहीं इतनी दूर क्या देखने जा रहे हैं, इतनी दूर आया पता, गुड़गांव से लेके यहाँ तक आए हैं शेर देखने के लिए। मेरे को देख लेते, मेरे को बता देते, पहली बार दिखा देता आप। ये वो वाला चीत, वो वाले हैं, वो चीता की कोन आई थी, वो चीती। हाँ देख कह रहे हैं ना, चीती कह दे। गाइस अभी चलते हैं भाई हम। अभी भी कम टू रणथंभौर बच्चा भाई, दिख रहा था क्या? ये मेरे फोन में देख रहा। हाँ हाँ दिख रहा है, दिखाओ फोटो खींच के। हमने तरुण भाई फोन में देख लिया, वो फोटो खींच के दिखाओ। पेड़ के नीचे है ना मेरा सामने भाई। शेर दिख गया, शेर शेर है, भालू है। यार तरुण भाई हमें नहीं दिख रहा, देखिए। अच्छा वो काला काला से बैठा है, ओहो ये भालू है। अच्छा वो है क्या, दिख गया दिख गया दिख गया। अरे दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया भाई साहब। अरे भाई क्या वो कॉल वॉल आई क्या? इस पेड़ के पीछे सांबर है, देखो ये पेड़ है। अच्छा किंग फिशर बर्ड, है ना ये मस्त लग रहा किंगफिशर। अरे ये ना तुम नीचे देखो ना। अच्छा ठीक है, देखो ले तू किंगफिशर इधर आ गया। ओ ओ हो गया नी की वजह से, ये बच गया। बच गया, शोर मचा दिया ना। नहीं देखना मुझे भी पकड़ेगा, देखो अभी कर सकते है। हमें नहीं दिखा कुछ भी, रणथंभौर नेशनल पार्क में राजस्थान में भाई कुछ भी। भैया पहुंच गए हम तो, चलो सो गए। थैंक यू, एक मिनट ले रहा तू आ जा। मैं रात को तो गजब लगता होटल, लाइट वाइट जला के। क्या है नहीं है, क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो, तेज बोलो। है क्या बोल रहे हो, सुन नहीं रानी भाई। इसकी समझने के लिए ना हमें ना एक अलग से गूगल ट्रांसलेट वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा जो इसकी लैंग्वेज हमें ढंग से बता सके, है ना। बिकॉज देख रही है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसे देख रही घूर घूर के, देख 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 देख।
हंस के रहे हंसना नहीं है हंसना नहीं है भाई। ये मेरे को, मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ तो मेरे को देखने लग रही है, ये क्या कर रहे हैं चाचू क्या कर रहे हैं? हाय कर दो, हाय ढंग से करो दोबारा, हेलो बोलो, हेलो बोलो, गुड इवनिंग, तेज बोलो। तो गाइस अपना खाना पीना हो गया डन और अब हम बैठ गए भाई गाड़ी में और चल रहे सीधा होटल, क्योंकि भाई आज पूरे दिन थक गए, पूरे दिन गाड़ी चलाई है और सीधा आते ही ना रुके थोड़ी देर के लिए भी, सीधा हम भाई उसके लिए सफारी के लिए चले गए थे तो बहुत ही ज़्यादा थक गए यार। और अभी बज रहे 11, सीधा जाएंगे होटल में सोऊंगा भाई मैं तो इस व्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और कल मिलेंगे भाई हम सीधा उदयपुर। अभी मेरे को ध्यान नहीं है उदयपुर जा रहे हैं।